एक गांव में सुकुमार नाम का साइकिल रिक्शा चलाने वाला रहता था। वो रोज मेहनत करके उसकी बीवी पद्मा और बेटा विवान का पालन पोषण करता था। सुकुमार रोज सुबह रिक्शा ले जाते वक्त पद्मा रोती थी। बेंच कार में घूमने वाले आपको ऐसे साइकिल रिक्शा चलाते वक्त नहीं देख पा रही हूँ जी। आपने इतने सारे दान धर्म किए हैं, उसकी वजह से हमें पुण्य में प्राप्त हुआ ये झोपड़ी और ये साइकिल रिक्शा। भगवान ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया जी। व्यापार में नुकसान हुआ तो भगवान क्या करेगा, और दान धर्म के बारे में बोल रही है तो बिना आशा के दान जब दोगे उसी से ही पुण्य मिलता है, और दिए दान को कभी बताना नहीं चाहिए। इसलिए जितना है उतने में ही हमें जीना चाहिए। कम से कम भगवान ने मुझे साइकिल रिक्शा चलाने की ताकत तो दी है, उतना बस है। मुझे देखकर तुम उदास मत होना। माँ बाप की बातें सुनकर विवान बहुत दुखी होता था। सुकुमार वैसे ही गांव के गरीब बुजुर्गों को रिक्शा में फ्री में बिठा के लेके जाता था। वो बुजुर्ग सुकुमार को रोज आशीर्वाद देते थे। एक दिन पद्मा सुकुमार से, सुनिए जी, हमारे पास रह गए वो कपड़े ही हैं। अभी वो कपड़ों को भी चूहे काट रहे हैं। उसके लिए कोई भी पुराना अलमारी हो तो अच्छा होगा जी। सुकुमार तुरंत कूड़ा प्रसाद नाम के पुराने सामान बेचने वाले के पास गया और वहां पर रही बहुत ही पुरानी अलमारी बहुत ही कम दाम में खरीदा। सुकुमार उस अलमारी को घर में रखा। पद्मा वो अलमारी को खोलने गई, उतने में वो अलमारी बात करना शुरू किया। मैं मामूली अलमारी नहीं हूँ, जादुई अलमारी हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे वरदान नहीं देती हूँ, असल में बात नहीं करती हूँ, जो लोग अच्छे हैं उन्हें ही वरदान देती हूँ। इसलिए मेरी महानता मालूम ना होने के वजह से सभी लोग मुझे बेच देते हैं। आप कितने अच्छे हैं वो मैंने देखा है, आपको क्या चाहिए मांगकर मुझे खोलिए। वो तीनों आश्चर्य हो गए। माँ, मैं कितना भी मेहनत करके मेरे पत्नी और बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार नहीं दिला पा रहा हूँ। वो लोग बेचारे कुछ भी मांगे बिना अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। उनको अच्छा खाना खिलवा दो माँ। उसमें से तरह तरह के पकवान नीचे गिरे। आप भी आइए, खाना खाते हैं। तीनों बिचारे भरपूर भोजन किए। उसके बाद अलमारी, और क्या चाहिए मांगो। और कुछ भी नहीं चाहिए माँ, अच्छा खाना खिलाया मेरे लिए बस उतना ही है। आपके जैसे निस्वार्थ और बिना लालच के मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा है। आपके जैसे लोग होने से ही कई सारे लोगों की भलाई होगी, इसलिए आपको अपार संपत्ति दे रही हूँ। उससे आप भी आनंद से रहिए और दूसरों को भी सहायता कीजिए। वो अलमारी के दरवाजे से अपने आप खुले, उसमें से सोने के सिक्के नीचे गिर गए। वहां पर सोने का ढेर जमा हो गया। तीनों ने अलमारी को प्रणाम किया। बाद में सुकुमार ने अच्छा सा घर बंधवाया, वापस से उसका व्यापार शुरू किया। गरीबों को दान भी करने लगा। एक दिन कूड़ा प्रसाद सुकुमार के घर के पास से गुजर रहा था। सुकुमार को दान करते वक्त देखकर कूड़ा प्रसाद, कल तक साइकिल रिक्शा चलाने वाला आज इतना पैसा वाला कैसा हो गया, ये सब तुझे पता चलाना ही होगा करके सोचा। बाद में उनके घर के खिड़की से देखा तो पद्मा ने अलमारी का दरवाजा खोलते ही उस अलमारी के दरवाजे से पैसे निकले। ये तो मैंने ही बेचा हुआ अलमारी है, छी, इसके बारे में पता ना होकर बेच दिया, इसे कैसे भी यहाँ से चुरा कर ले जाना होगा। उस दिन रात कूड़ा प्रसाद उनके घर गया, अलमारी के पास जाकर दरवाजा खोला, बस बात खत्म। वो अलमारी ने कूड़ा प्रसाद को अंदर की ओर खींचा, अंदर दबा दब दे मारा। अरे मुझे माफ करो, मुझे मत मारो, अभी बस करो, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
कहकर चिल्लाने लगा। उतने में सुकुमार उधर आकर अलमारी का दरवाजा खोला, कूड़ा प्रसाद मार खाकर बाहर आया तो सुकुमार को नमस्कार करके, मुझे माफ कीजिए, लालच में आकर आपकी अलमारी चोरी करूंगा सोचकर आया था। ये जादुई अलमारी मेरे जैसे गलत आदमी को कैसे वरदान देगी, अब मुझे मालूम पड़ा। कहकर निकल के जा रहा था तब सुकुमार उसे रुकाकर उसे बहुत सारा पैसा दिया। ये पैसों से कुछ भी बड़ा व्यापार शुरू करो, अपने परिवार को अच्छे से देखो, ऐसे ही दूसरों की सहायता करो। कूड़ा प्रसाद ने सुकुमार का नमस्कार किया। जादुई चक्की। वसेपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक लड़का रहता था। लड्डू बहुत मोटा था। वो एक दिन गली में हिलते डुलते चल रहा था। उसे देखकर एक आदमी दूसरे से, देखा लड्डू को, चलने तक मुश्किल हो रहा है। अब तक उसकी माँ उसे पाल पोस कर बेचारी अब बिस्तर पकड़ ली, और ये है कि अब उनकी दवाइयों के लिए कई नौकरी ढूंढता रह रहा है। इसका ये आकार देखकर अब क्या इसे कोई नौकरी देगा? और तो और, कोई क्लर्क या अकाउंटेंट का काम करने के लिए पढ़ाई तक नहीं किया हुआ है। पता नहीं माँ को कैसे बचा पाएगा, भगवान ही जाने। लड्डू घर जाते ही उसके माँ के पास डॉक्टर था। क्यों रे लड्डू, जो मैं दवाई दिया वो नहीं दे रहे हो क्या? तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ते जा रहा है, दवाइयों का डोज बढ़ा रहा हूँ। अगर अब भी दवाई नहीं दिया तो वो नहीं बचेगी, बड़े अस्पताल में तो भर्ती नहीं कर पा रहा है। कम से कम महीने के 4-5 हजार तक के दवाइयों तक नहीं ला पाए तो कैसे चलेगा? मेरा ये आकार देखकर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है डॉक्टर। वैसे आपके अस्पताल में कोई काम हो तो मुझे दिलवा दीजिए। डॉक्टर घबरा कर, रे तुझे अगर अस्पताल में काम पर रख लिया तो वहाँ रखी सारी गोलियाँ खाकर टॉनिक भी पूरा पी जाएगा, फिर मरीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा, मुझे बख्श दो, कहकर चला गया। लड्डू एक दिन काम की तलाश करते हुए नंदूलाल होटल के सामने आया। उसे भूख से चक्कर आ रहे थे। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले इस होटल में पेट भर के खाना खाते हैं, पैसों के बारे में बाद में सोचते हैं। सोचकर अंदर चले गया। लड्डू टेबल पर बैठकर वेटर से, हाँ 2 चिकन बिरयानी, 10 रोटी, मटन कीमा, मटर पनीर लेकर आओ, और हाँ रायता जरा ज्यादा लेकर आना रे, बार बार घूम नहीं पाओगे। वो देखकर नंदूलाल, अरे लड्डू तुम्हारे पास कोई नौकरी तक नहीं है, ये सब खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ है रे? पैसे क्या जेब में रखना, ऐसा कोई रूल है? कहीं पर भी रख सकता हूँ ना, पहले ऑर्डर भिजवाओ। लड्डू कीमा रोटी मटन पेट भर के खा लिया। नंदू बिल लेकर, हाँ पूरा 1200 हुए रे। 1200 यानी तुम्हारे होटल में कितने दिन काम करने से ये उधार चुक जाएगा? नंदू उसे जोर से दे मारा। पहले ही पता था रे कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। और क्या कह रहे थे, पैसे कहीं पर भी रख सकते हैं रे। इसे कमरे में बंद करके एक बोरी भरकर गेहूं और एक बोरी भरकर चना आटा पीसने के लिए कहो, तब इसे अक्ल आएगी। इस तरह लड्डू कमरे में चना दाल चक्की से पीसने लगा। जब वो पीस रहा था तो कुछ समय बाद वहाँ से सोने के सिक्के बाहर आने लगे। वो देखकर लड्डू चकित रह गया। इस तरह आटा पीसने तक बहुत सारे सोने के सिक्के निकले। लड्डू उन सबको बांधकर बाहर आया। सेठ पूरा आटा पीस दिया, बहुत शुक्रिया सेठ, फिर आऊंगा, कहकर चले गया। शुक्रिया फिर आऊंगा कह रहा है, ऊपर से एक दिन पूरा लगने वाला काम 1 घंटे में कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोचा। लड्डू फिर वो सोने के सिक्कों को सुनार को बेचकर पैसे ले लिए। माँ को फिर शहर में एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 दिन बाद लड्डू फिर नंदू के होटल में आकर बैठा। वेटर से, हाँ आज शनिवार है तो मैं सिर्फ वेज ही खाऊंगा, रोटी और चावल के अलावा जो कुछ भी है वो सब उठा कर लाओ। नंदू आकर, क्यों रे फिर से सेम प्लान कर रहे हो? इस बार ऐसा नहीं चलेगा, जब तक तुम पैसे नहीं दिखाओगे खाना नहीं देंगे। लड्डू जेब से पैसे बाहर निकाल कर दिखाया। नंदू फिर वेटर से, रे सर को जो चाहिए वो दो। फिर लड्डू सारी चीजें खा गया। नंदू आकर, सर इस बार आपने ज्यादा खाया है, बिल 2000 हुआ है सर। मैं पैसे नहीं भरूंगा, चाहो तो जितना चाहिए उतना आटा पिसवाओ, मंजूर नहीं है तो बताओ, फाइट के लिए मैं तैयार ही हूँ, पैसे तो मैं नहीं दूंगा। बाप रे इससे कौन फाइट करेगा,
कम से कम आटा तो पिसवा लेता हूँ, सोचा। लड्डू चक्की पीसने लगा, उसमें से सोने के सिक्के बाहर आने लगे। फिर लड्डू उन सबको लेकर निकल गया। इस तरह हर दिन लड्डू का आना, पेट भर के खाना, बिल नहीं भरना और फिर आटा पीसकर सोने के सिक्के ले जाना शुरू हो गया। जल्द ही लड्डू एक बड़ा सा घर बनवा लिया। वैसे ही जब भी किसी को पैसों की जरूरत होती तो उन्हें भी उपाय बता देता। फिर सब इस होटल में खाना खाकर आटा पीसकर सोने के सिक्के ले जाने लगे। एक दिन नंदू, ये क्या, जो हमेशा बिल भरते थे अब वे भी पैसे नहीं है कहकर आटा पीसकर जा रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, सोचा। एक दिन जब कोई आटा पीस रहा था तो वो खिड़की से देखा। चक्की में से सोने का सिक्का निकलते हुए देखकर वो चकित रह गया। तुरंत नंदू 5 बोरी गेहूं लेकर आटे की तरफ पीसने लगा। घंटों तक चक्की पीसते रहा, आटा तो निकल रहा था लेकिन सोने के सिक्के नहीं। लगातार पीसते ही रहा। फिर रात हो गई, नंदू थक कर सो गया, लेकिन सोते हुए भी चक्की पीस ही रहा था लेकिन सोना नहीं आ रहा था। इस तरह अगले दिन सुबह तक चक्की पीसा, तब उसमें से कुछ लोहे के सिक्के बाहर, जादुई चक्की। वसेपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक लड़का रहता था। लड्डू बहुत मोटा था। वो एक दिन गली में हिलते डुलते चल रहा था। उसे देखकर एक आदमी दूसरे से, देखा लड्डू को, चलने तक मुश्किल हो रहा है, अब तक उसकी माँ उसे पाल पोस कर बेचारी अब बिस्तर पकड़ ली, और ये है कि अब उनकी दवाइयों के लिए कई नौकरी ढूंढता रह रहा है। इसका ये आकार देखकर अब क्या इसे कोई नौकरी देगा, और तो और कोई क्लर्क या अकाउंटेंट का काम करने के लिए पढ़ाई तक नहीं किया हुआ है, पता नहीं माँ को कैसे बचा पाएगा, भगवान ही जाने। लड्डू घर जाते ही उसके माँ के पास डॉक्टर था। क्यूरे लड्डू, जो मैं दवाई दिया वो नहीं दे रहे हो क्या? तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ते जा रहा है, दवाइयों का डोज बढ़ा रहा हूँ, अगर अब भी दवाई नहीं दिया तो वो नहीं बचेगी, बड़े अस्पताल में तो भर्ती नहीं कर पा रहा है, कम से कम महीने के 4-5 हजार तक के दवाइयों तक नहीं ला